साथियों, देश का सामान्य मानवी एक छोटा सा भी घर बनाता है तो उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करता है। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है, कोई कॉलेज बनाता है तो भी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया जाता है। समय समय पर उसके विस्तार की गुंजाइश को भी पहले से ही सोच लिया जाता है। और ये इसमें हर किसी का अनुभव है, हर एक का ये अनुभव से आप गुजरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग से जुड़ी अनेक कमियां रोजमर्रा अनुभव करते हैं। थोड़ा बहुत जहां हुआ भी है तो हमने देखा है कि रेलवे अपनी प्लानिंग कर रही है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग कर रहा है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट की अपनी प्लानिंग होती है, गैस नेटवर्क का काम अलग प्लानिंग से हो रहा है। ऐसे ही तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग प्लान करते हैं। हम सभी ने यह भी देखा है कि पहले कहीं सड़क बनती है, सड़क बिल्कुल तैयार हो जाती है और फिर कोई पानी वाला डिपार्टमेंट आएगा, वो पानी की पाइप के लिए उसकी खुदाई कर देता है, फिर पानी वाले पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार काम होता रहता है। ये भी होता है कि रोड बनाने वाले डिवाइडर बना देते हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस कहती है कि इससे तो जाम लगा रहेगा, डिवाइडर हटाओ। कहीं चौराहे पर सर्किल बना दिया जाता है तो ट्रैफिक सुचारू रूप से चलने में बजाय वहां अव्यवस्था होने लगती है। और हमने देश भर में ऐसा होते हुए देखा है। इन परिस्थितियों के बीच जब सारे प्रोजेक्ट्स को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, बिगड़ी हुई बात को ठीक करने में बहुत मेहनत लगती है। साथियों, ये जितनी भी दिक्कतें हैं उसका मूल कारण यह है कि मैक्रो प्लानिंग और माइक्रो इंप्लीमेंटेशन, जमीन आसमान का अंतर होता है। अलग अलग विभागों को पता ही नहीं होता कि कौन सा विभाग कौन सा प्रोजेक्ट कहां शुरू करने की तैयारी कर रहा है। राज्यों के पास भी इस तरह की जानकारी एडवांस में नहीं होती। इस तरह के साइलोस के कारण निर्णय प्रक्रिया भी प्रभावित होती है और बजट की भी बर्बादी होती है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि शक्ति जुड़ने के बजाय शक्ति मल्टीप्लाई होने के बजाय शक्ति विभाजित हो जाती है। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी ये ठीक ठीक पता नहीं होता कि भविष्य में यहां से सड़क गुजरने वाली है या यहां से कैनाल बनने वाली है या यहां कोई पावर स्टेशन लगने वाला है। इस वजह से वो भी किसी क्षेत्र को लेकर किसी सेक्टर को लेकर बेहतर प्लान नहीं कर पाते हैं। इन सारी दिक्कतों का हल पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान इससे ही निकलेगा। जब हम मास्टर प्लान को आधार बनाकर चलेंगे तो हमारे रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा।